हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सब के घर में कुछ ना कुछ स्पेस ऐसे होते हैं जो ज़रूरी तो होते हैं पर हमारे घर की ब्यूटी को ख़राब करते हैं। हम उन्हें हटा तो नहीं सकते लेकिन छिपा ज़रूर सकते हैं। जैसे मेरे घर का ये बोर्ड मेरे ड्राइंग रूम की ब्यूटी को ख़राब कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस बोर्ड को मैंने कैसे छिपाया और साथ ही बताऊंगी कि आप अपने घर की वायर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मेरे पास ये पुराना टेबल रनर था जिसे मैं अब यूज नहीं करती हूँ। इसी से मैंने तैयार किया एक वॉल हैंगिंग जिससे मैंने अपने रूम के अगली स्पेस को छिपा कर रूम की ब्यूटी को इम्प्रूव किया। इसकी जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी उतनी लेंथ रख कर बाकी का हिस्सा मैंने पिछली साइड मोड़ दिया और मुड़े हुए हिस्से पर सुई से इस तरह से टांके लगा दिए कि वो आगे की तरफ नज़र ना आए। आप चाहें तो इसे फैब्रिक ग्लू या ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया ताकि मैं इसे एज ए टेबल रनर रीयूज़ कर सकूँ और इसे वॉश भी कर सकूँ। हैंग करने के लिए मेरे पास एक वुडन स्टिक रखी हुई थी, मैंने उसी का यूज़ किया और साथ में लिया एक मोटा कॉटन थ्रेड। मुड़े हुए हिस्से में इस वुडन स्टिक को डाला और इसके दोनों साइड थ्रेड को बांध दिया। आप इसकी जगह वुलन थ्रेड या जूट रोप भी ले सकते हैं। और इस तरह तैयार हो गया मेरा DIY वॉल हैंगिंग। अब बारी थी इसके निचले हिस्से को फिनिशिंग देने की। इसके टेसल्स पुराने होने की वजह से काफ़ी उलझे हुए थे जिसे मैंने मोटे दांत वाले कॉम से सुलझाया और सभी को बराबर 3-3 हिस्सों में बांटकर जैसे बालों की चोटी बनाते हैं इसी तरह से चोटी बना ली। आप चाहें तो हाफ चोटी बनाकर हाफ टेसल्स की तरह भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी पूरी चोटी बनाई है। और ये है मेरे DIY वॉल हैंगिंग का कंप्लीट लुक जिसे मैंने उसी बोर्ड के ऊपर हैंग कर दिया और ये तैयार हुआ है 0 बजट में। तो आप भी अपने घर में तैयार कर सकते हैं ऐसे वॉल हैंगिंग। किसी भी पुराने कपड़े जैसे पुरानी कुर्ती, पुरानी बेडशीट, पुराना रग या डोरमैट से भी। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। घर की वायर्स को ऑर्गेनाइज करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन एक झटपट तरीका जिसे मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। नारियल पानी के साथ जो स्ट्रॉ मिलती है मैं इसे फेंकने की बजाय रख लेती हूँ, क्योंकि इसी से मैं अपनी वायर्स को ऑर्गेनाइज करती हूँ। मेरी वॉल का कलर पिंक है और पिंक स्ट्रॉ ही मेरे पास रखी हुई थी जो मेरी वॉल से मैच भी हो जाएगी। पेंसिल शार्पनर या सीजर्स की मदद से इसे इस तरह से टेढ़ा कट कर लेंगे। और कट करने के बाद जितनी वायर्स हैं उन सब को एक साथ लेकर उस पर स्ट्रॉ को रैप कर देंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, लेकिन नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।